हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इनोवेशन। आज है 29 जून 2019 और आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। आज से हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, जितने भी इम्पोर्टेंट एडिटोरियल हैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे। इन एडिटोरियल्स में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हीं एडिटोरियल को डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये पहला एडिटोरियल। तो फर्स्ट एडिटोरियल है बूस्ट फॉर मराठा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभी हाल ही में मराठा कम्युनिटी के रिजर्वेशन को अपहेल्ड किया है। जो भी बॉम्बे हाईकोर्ट के पास केस आया था मराठा कम्युनिटी के द्वारा, मराठा कम्युनिटी को बॉम्बे महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो रिजर्वेशन 16% रिजर्वेशन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के चलते दिया गया था, उसको बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किया है और इसको वैलिड माना है। बॉम्बे हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, ये मराठास को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन में रिजर्वेशन देने के लिए आया है। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो स्पेशल लेजिस्लेशन रिजर्वेशन के लिए आया था, वो भी एजुकेशन और पब्लिक सेक्टर के लिए आया था, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से रिजर्वेशन 16% दिया गया था और बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये रिकमेंडेशन 16% को 12 से 13% तक कैप कर दिया है। हालांकि हाई कोर्ट ने इस रिजर्वेशन को स्पेशल केस में सही बताया है, लेकिन रिजर्वेशन का जो टोटल परसेंटेज था उसको कम किया है। इस बात में ऑथर के द्वारा ये बात कही जा रही है कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के नाम से एक नई कैटेगरी, एक नया लॉ क्रिएट किया गया, जिसमें केवल और केवल मराठास को रखा गया सोल ग्रुप, एकलौता ग्रुप महाराष्ट्र में, मराठास को सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड ग्रुप में रखा गया और उनको 16% रिजर्वेशन दिया गया था सरकार के द्वारा। और ये 16% रिजर्वेशन जो एग्जिस्टिंग एससी और एसटी कैटेगरीज या ओबीसी कैटेगरीज है उनके अलावा एक नया ग्रुप क्रिएट किया गया था। तो सबसे बड़ी हर्डल इस कॉम्पोनेंट में, इस बॉम्बे हाईकोर्ट के डिसीजन में, यह है कि ये वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को वॉयलेट करता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मैक्सिमम रिजर्वेशन की जो सीमा है वो 50% कैप की थी, 50% इम्पोज की थी सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में इन द सहनी केस में। तो पहली चीज़, ये 50% सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड लिमिट को क्रॉस करता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि एक पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप के लिए एक स्पेशल क्लास कैटेगरी क्रिएट करना और उसमें केवल एक उस कैटेगरी को रखना रिजर्वेशन देने के सोल पर्पज़ से, ये काफ़ी चिंता का विषय है ऑथर के अनुसार। तो कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है, करीब 487 पेजेस का ये वर्डिक्ट है और कोर्ट ने कोशिश की है जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आंसर करने का। और कोर्ट के अनुसार ये एक स्पेशल रेफरेंस, एक स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस मानते हुए इस पर्टिकुलर केस को, जो कि 50% रिजर्वेशन को क्रॉस कर रहा है, उसको वैलिड करार दिया है। और इसने इस तरह से गवर्नमेंट, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का डिसीज़न था, उसको सही बताया है। महाराष्ट्र बैकवर्ड क्लास कमीशन जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया था इस रिजर्वेशन को स्टडी करने के लिए, उस कमीशन ने मराठा कम्युनिटी को 12 से 13% रिजर्वेशन के लिए बोला था, लेकिन सरकार ने 16 किया है। कोर्ट ने वापस इसको 12 से 13% रिजर्वेशन लेवल सेट किया है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में एक बात और कही गई है कि हाई कोर्ट का जो रीजनिंग है ये सारे लोगों को कन्विंस नहीं करता है, बिकॉज एक पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल, एक डोमिनेंट कम्युनिटी जो कि मराठा महाराष्ट्र में है, एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल भी है ये और काफ़ी डोमिनेंट है, उनके लिए एक स्पेशल कैटेगरी क्रिएट करना और एजुकेशनली बैकवर्ड के रूप में उनको रिजर्वेशन देना, ये वायबल और फिजिबल कुछ लोगों को नहीं लग रहा है। इनके हिसाब से अपलिफ्टमेंट ऑफ मराठा कैन बी अचीव्ड बाय इंक्लूडिंग देम इन ओबीसी लिस्ट। तो अथर का ये भी कहना है कि इसमें महाराष्ट्र को, मराठास को जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है, इनको ये ओबीसी लिस्ट में रखा जा सकता था और उस लिस्ट के हिसाब से उनको रिजर्वेशन दिया जा सकता था, लेकिन अलग से कैटेगरी क्रिएट करना एक पॉलिटिकली इन्फ्लुएंसर ग्रुप के लिए, ये ठीक, ये एक करेक्ट ऑल्टरनेट नहीं है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था कि एक मराठा
काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में काफ़ी पॉपुलेशन है मराठास की। उस पॉपुलेशन को अगर ओबीसी में रखा जाएगा तो ओबीसी को के छोटी छोटी कम्युनिटीज़ को मिलने वाला रिजर्वेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सकता था। ओबीसी के रिजर्वेशन की लिमिट जो कि 27% है उसको भी बढ़ाया जा सकता था, लेकिन अलग से कैटेगरी क्रिएट करना ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड पॉइंट नहीं है, और कहीं ना कहीं हाई कोर्ट, महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने इस बात को इग्नोर किया है, मराठा बीइंग गिवन सेपरेट रिजर्वेशन थ्रू सेपरेट कैटेगरी। सो ये बहुत कंफ्यूजिंग बात है कि स्पेशल कैटेगरी ओबीसी के बाहर जाके क्रिएट की गई। इस रीजनिंग को सुप्रीम कोर्ट पे जब ये केस जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट किस तरह से इस रीजनिंग को देखता है और किस तरह से वो इस पॉइंट को वैलिड मानेगा या नहीं मानेगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन एक तरह से इस आर्टिकल का जो सार सार ये है कि 50% रिजर्वेशन को क्रॉस किया जा चुका है एक महाराष्ट्र में, फिर से महाराष्ट्र में क्रॉस हो चुका है, इसकी लिमिट पहुंच गई है 68% क्रॉस किया जा चुका है। आज का दूसरा आर्टिकल है थिंग्स टू डू अवॉइड अनदर वाटर क्राइसिस। ये पर्टिकुलर आर्टिकल चेन्नई वाटर क्राइसिस के बारे में है। चेन्नई में जो हाल ही में काफ़ी ज़्यादा पानी की दिक्कत है, पीने के पानी की और बाकी टोटल वाटर क्राइसिस की, उसके बारे में बताया गया है। इस आर्टिकल के अनुसार चेन्नई में चार जो मेजर रिजर्वायर हैं, जो पॉन्ड्स हैं जिनसे सिटी को मेजरली पानी मिलता है, वो ऑलमोस्ट सूख चुके हैं, ऑलमोस्ट ड्राई हो चुके हैं द सिटी हैज़। और इसके अलावा सिटी में करीब 200 दिन से बारिश भी नहीं हुई है, और जो वाटर ग्राउंड वाटर है उसका एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो इन कारणों की वजह से चेन्नई में पानी की समस्या बहुत ज़्यादा विकट हो गई है। इसमें अब जो एडहॉक कदम उठाए गए हैं तमिलनाडु सरकार के द्वारा, वो है कि 10 मिलियन लीटर्स डे, इतना वाटर डेली ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है अलग अलग जगह से चेन्नई सिटी के लिए। सो 10 मिलियन लीटर ऑफ वाटर इज़ बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू चेन्नई, और ये काम किया जाएगा करीब आगे आने वाले 6 महीने तक, पहली चीज़। दूसरा, केरला गवर्नमेंट ने भी तमिलनाडु गवर्नमेंट को, ये चेन्नई को वाटर देने के लिए ऑफ़र दिया है, जो कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो एक तो 10 मिलियन लीटर पानी दिया जाएगा सिटी को 6 महीने तक, और केरला की तरफ से पानी जा रहा है, लेकिन ये एडहॉक या जिसे बोलते हैं कि एक फायर फाइटिंग मोड में आके तुरंत लिए गए डिसीजन है, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी एज सच नहीं देखी जा सकती है। पॉलिटिकल लेवल पर एक जो बहुत अच्छा कदम उठाया गया था तमिलनाडु में, वो था रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम किसी भी नई बिल्डिंग में मैंडेटरी। ये काम किया गया था 2000 में सत्यमूर्ति भवन में, पहली बार रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम शुरू किया गया था, और उस समय की गवर्नमेंट ने इसको मैंडेटरी कर दिया था कि 2003 के ऑनवर्ड जो भी नई बिल्डिंग बनेंगी उनमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग होना ही चाहिए। इसका मतलब नए अपार्टमेंट जितने भी होने हैं उनको मिलना ही है, इनके बिना चेन्नई सिटी कॉरपोरेशन की तरफ से लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनको भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स लगाने ही पड़ेंगे। लेकिन 16 साल के बाद भी ये देखा गया है, एक ऑडिट में यह बात सामने आई है, एक रेन सेंटर करके एक एनजीओ है उसके ऑडिट में सामने आया है कि मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट बिल्डिंग इन चेन्नई डू नॉट हैव फंक्शनिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स। नॉर्मल बिल्डिंग को तो छोड़ दें, गवर्नमेंट की ज़्यादातर बिल्डिंग्स में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम फंक्शन ही नहीं कर रहा है। तो सरकार की तरफ से जो कानून आया था कि वो इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, सरकार खुद ही उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के बाद ये क्राइसिस होना एक लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस है। इसके अलावा जो भी क्राइसिस आता है इंडिया में कहीं पर भी, ज़्यादातर देखने को यही मिलता है कि गवर्नमेंट, हमारी सरकारें फायर फाइटिंग स्ट्रेटजी ही अपनाती है, एक लॉन्ग टर्म सिस्टमेटिक सॉल्यूशन लेके नहीं चलती हैं। और स्टॉप गैप अरेंजमेंट, ऑथर बोलता है इसको, स्टॉप गैप अरेंजमेंट जल्दी से जल्दी भुला भी दिए जाते हैं। जब थोड़ा फायर फाइटिंग मोड में काम करने के बाद अगर टेम्परेली नॉर्मल हो जाती है सिचुएशन, तो सरकार उस चीज़ को भूल जाती है जब तक कि अगला क्राइसिस ना आ जाता है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जिसको हमें हमें हमेशा दिमाग में रखनी पड़ेगी। केवल फायर फाइटिंग मोड में काम करने इज़ नॉट परमानेंट सॉल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम। और अगर हम क्राइसिस की बात करें तो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स,
इन्होंने चेन्नई फ्लड में काफ़ी काम किया था, और चेन्नई फ्लड जो कि दिसंबर 2015 में आई थी, उसका रीज़न बताया गया था एनक्रोचमेंट ऑफ वेटलैंड की, रीज़न यही था इसका। और वैनिसिंग कैचमेंट एरिया, जो भी फ्लड्स को एब्जॉर्व करने के लिए जो कैचमेंट एरिया हैं, जो फ्लड्स हैं, वो भर दिए गए थे, वहाँ पर बिल्डिंगें बनाई गई थी या कंक्रीटाइजेशन कर दिया गया था उन सारे फील्ड्स का। उस समय को डील करने के लिए काफ़ी गाइडलाइंस आई है और काफ़ी फायर फाइटिंग अप्रोचेस अपनाई गई गवर्नमेंट के अनुसार। लेकिन 3.5 ईयर डाउन द लाइन, नो नॉर्मल मैकेनिज्म हैज़ बिन पुट इन प्लेस टू चेक वेदर वेटलैंड्स हैज़ बिन डिसिल्टेड, और ऐसा कुछ किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है ये चेक करने के लिए भी कोई मैकेनिज्म नहीं बनाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा। 3.5 साल के बाद भी ना तो हम चेक कर सकते हैं वहाँ पर कोई डिसिल्टेशन और वेटलैंड चल रहा है, उनका इंक्रोचमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो इंक्रोचमेंट रुका कि नहीं रुका, ना कोई मैकेनिज्म है, कोई फीडबैक मैकेनिज्म भी नहीं है कि ये चेक किया जा सके कि 3.5 साल में कुछ काम हुआ है। तो इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन के बाद, क्राइसिस आने के बाद ही सारी चीज़ें करना कहीं ना कहीं पीपल वेलफेयर के लिए सही नहीं है। इसके अलावा एक वाटर गवर्नेंस की ज़रूरत काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ऐसा ऑथर के द्वारा क्या कहा गया है। रीसेंट नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार 21 इंडियन सिटीज़ में 2020 तक पानी की कमी होने वाली है, बहुत हाई लेवल पे, अगर करंट रेट ऑफ कंजम्पशन चलता रहा। तो वाटर गवर्नेंस इन सिटीज़ अक्रॉस इंडिया हैज़ बिन एन हेड ऑफ, क्योंकि केवल तमिलनाडु या चेन्नई की बात नहीं है, हर एक राज्य में मोस्ट मेजर सिटीज़ जितनी भी हैं उनमें जो वाटर गवर्नेंस हो रहा है, वाटर को जैसे डील किया जा रहा है सरकारों के द्वारा, वो एडहॉक अप्रोच ही है, उनमें एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव नहीं दिखता है। सो ये चेन्नई क्राइसिस से एक लर्निंग लेनी चाहिए बाकी सिटीज़ को भी और बाकी स्टेट्स को भी, और एक अर्बन वाटर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट बोर्ड इस्टेब्लिश करना चाहिए, जो कि एक परमानेंट बॉडी की तरह काम करे, अर्बन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की तरह अर्बन वाटर गवर्नेंस किया जाए, जो रेगुलेट करे सप्लाई भी वाटर की, वाटर की डिमांड भी, और जो भी वाटर सर्विसेज एंड स्ट्रक्चर्स हैं उनको कैसे किस तरह से मेंटेन करना है, वेटलैंड या जितने भी इंक्रोचमेंट हुए हैं उनको कैसे रोकना है, इन सारी चीज़ों को वाटर का एक कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक वे में गवर्नेंस किया जा सके, इसके लिए एक अर्बन वाटर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट बोर्ड बनाया जाना चाहिए। अगर हम सप्लाई साइड की बात करें, इस अथॉरिटी को मॉनिटर करना चाहिए और रेगुलेट करना चाहिए ग्राउंड वाटर, वाटर सप्लाई जो प्राइवेट टैंकर्स देते हैं उनको रेगुलेट करना चाहिए, उनकी प्राइसिंग रेगुलेट करनी चाहिए और उनका सर्विस रेगुलेट करना चाहिए। क्योंकि अभी हाल ही में देखा गया कि एक 12,000 लीटर का टैंकर जिसकी नॉर्मल कीमत मात्र 2,000 रुपये होती है, वो चेन्नई में 6,000 रुपये में उससे पानी दिया जा रहा था, करीब 7 गुना ज़्यादा प्राइस बढ़ गया है नॉर्मल पानी, केवल पानी का। सो इस तरह से वाटर माफिया को डिस्करेज किया जाना चाहिए, और इसी के लिए एक वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एक प्रॉपर वाटर गवर्नेंस का मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक एडिशनल डिसेलिनाइजेशन प्लांट भी लगाए जाने चाहिए, कमीशन किए जाने चाहिए, ताकि वाटर का रेट कम हो। क्योंकि अभी क्या है कि अभी वाटर जो प्राइवेट टैंकर्स देते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, और इसके अल्टरनेट में अगर हम डिसेलिनाइजेशन प्लांट इस्टेब्लिश करें, कमीशन करें, और उनसे जो वाटर दें वो सस्ता पड़ेगा। सो वाटर टैंकर का जो पूरा कल्चर है, पूरा एक बिजनेस मॉडल बन गया है, वाटर माफिया का जो ये बन गया है और बहुत ज़्यादा महंगा पानी देते हैं, उसको तोड़ने के लिए और उसको कम करने के लिए, उसको डिस्करेज करने के लिए डीसेलिनाइजेशन प्लांट्स इस्टेब्लिश किए जाने चाहिए, और वो पानी सस्ता भी पड़ता है। तो ये दोनों तरह से लोगों के हित में भी है और एक वायबल सॉल्यूशन भी है। एक्सपर्ट्स का ये भी ओपिनियन है कि एग्जिस्टिंग जो लेक्स हैं उन लेक्स को ज़्यादा डीप किया जाना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी उन लेक्स में इकट्ठा हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा पानी नीचे परकुलेट हो सके, ताकि बेटर वाटर रिचार्जिंग भी हो। डीसेलिनेटेड वाटर लेस एक्सपेंसिव होता है, वाटर सप्लाइड बाई प्राइवेट टैंकर, जैसा कि मैंने अभी बताया। और हावेवर चेन्नई में अभी क्या है, वाटर जो रेट्स हैं वो फ्लैट रेट हैं, इनको ऑन डिमांड रेट होने चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स होते हैं, जिसकी जितनी डिमांड उसको उतना ही
चार्ज लगाया जाए, हाई डिमांड में हाई चार्जेस होने चाहिए। तो डिमांड साइड में अगर हम वाटर गवर्नेंस के डिमांड साइड की बात करें तो मेट्रो वाटर और ग्राउंड वाटर को मेज़र किया जाना चाहिए और उनको अकॉर्डिंगली प्राइस किए जाने चाहिए, प्रोग्रेसिवली प्राइस किए जाने चाहिए इलेक्ट्रिकल टैरिफ की तरह, और क्वांटिटी के हिसाब से प्राइस किए जाने चाहिए, डिफरेंशियल प्राइसिंग की जानी चाहिए, क्रॉस सब्सिडाइज किया जाना चाहिए। मतलब जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, पॉवर्टी लाइन से बिलो हैं, उनको सस्ता पानी दिया जाना चाहिए, बिकॉज वाटर इज़ बेसिक रिक्वायरमेंट। और जिन बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ या प्लांट्स में या जिन डोमेस्टिक यूज़र जो बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं पानी, उनको हाई रेट पे दिया जा सकता है बिकॉज दे कैन एफोर्ड, और वो एक लिमिट से ज़्यादा पानी यूज़ कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा दिया जाना चाहिए। तो डिफरेंशियल प्राइसिंग एंड क्रॉस सब्सिडाइजिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ऑन डिमांड साइड ऑफ वाटर गवर्नेंस। तो ऐसा ऑथर का कहना है सप्लाई साइड और डिमांड साइड में। इसके अलावा स्टेक होल्डर कोऑर्डिनेशन के बारे में किया जा रहा है कि अर्बन वाटर मैनेजमेंट बोर्ड को एक डिसिल्टिंग ऑफ लेक्स इन सिटी ऑन रेगुलर बेसिस को ओवरसी करना चाहिए। मतलब कि जो भी लेक्स हैं सिटी में उनको डिसिल्टेशन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ये काम भी सप्लाई डिमांड के अलावा ये काम भी अर्बन वाटर मैनेजमेंट बॉडी को देखना चाहिए, ताकि ये प्रॉपर मॉनिटरिंग रेगुलरली होती रहे लेक्स की। अभी जो है लेक्स का जो नॉर्मल इंडिया में मॉनिटरिंग होता है वो PW डिपार्टमेंट करता है, और एक तरह से वो आइसोलेशन में काम करता है। तो कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम की वजह से लेक्स का सिल्टेशन होता जा रहा है और डिसिल्टेशन प्रॉपरली हो रहा है नहीं हो रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आता। और क्राइसिस आने के बाद समझ में आता है कि ग्राउंड लेवल पे तो काम हुआ ही नहीं है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन जो होता है PWD का और वाटर डिपार्टमेंट का, ये एक वाटर पॉलिसी में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एक क्रिटिकल फैक्टर है जिसको एड्रेस किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, या तो डोमेस्टिक या ऑफिशियली प्रोफेशनल बिल्डिंग्स पे लगे हैं, उनको भी मॉनिटर किया जाना चाहिए इसी बॉडी के द्वारा, क्योंकि इन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में ज़्यादातर प्रॉब्लम है, या तो ये क्लॉग्ड हो गए हैं, या टूट गए हैं, या फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट काम नहीं कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को एक सिंगल बॉडी के द्वारा मेंटेन किया जाना चाहिए, ताकि वो प्रॉपरली सारी चीज़ को एड्रेस करे बिना किसी दूसरी डिपार्टमेंट पे रिलाई करने के, वो खुद से ये सारा काम कर सके। द बॉडी ऑल्सो नीड्स टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद गवर्नमेंट्स ऑन ग्रांटिंग अप्रूवल्स टू न्यू मास वर्किंग स्पेसेस। और चौथा काम जो बताया है इस अर्बन वाटर मैनेजमेंट बॉडी का ऑथर ने, वो ये है कि नए अगर मास वर्किंग स्पेसेस आ रहे हैं उनमें भी वाटर यूज़ को किस तरह अप्रूवल दिया जाए, वो गवर्नमेंट के साथ मिलके इस बॉडी को काम करना चाहिए। जैसे कि अभी IT कॉरिडोर जो चेन्नई में है वहाँ पर पानी की कमी हो गई, और उस पानी की कमी की वजह से एम्प्लॉयज़ को कंपनीज़ ने बोला है कि आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए, आप घर से काम कीजिए। इसके अलावा अगर दूसरी जगह देखें, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो श्री पेरम्बदूर के पास है, वहाँ पर एक अच्छा सिस्टम, एक एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस चल रही है, लेकिन चेन्नई में वो नहीं चल रही है। तो एक तरह से एक सिस्टम जो अच्छा चल रहा है उसको रेप्लिकेट किया जाना चाहिए, और जहाँ पर सिस्टम अच्छा नहीं चल रहा है उसको इम्प्रूव करके एक एफिशिएंट सिस्टम बनाना चाहिए। तो ये मैंडेट भी इस बॉडी के द्वारा होना चाहिए, और ये दोनों काम गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में किए जाने चाहिए। तो इस तरह से वाटर स्कैर्सिटी स्कैर्सिटी ऑफ एसेंशियल रिसोर्सेज नॉट ओनली लीड्स टू इकोनॉमिक लॉसेज बट ऑल्सो सोशल अनरेस्ट। तो ऑथर ये कहना चाह रहा है कि जो भी कभी भी केवल वाटर की बात हो या किसी और रिसोर्सेज की बात हो, अगर रिसोर्सेज कम होंगे तो ये इकोनॉमिक लॉस तो है ही, इसके साथ साथ सोशल अनरेस्ट भी है। बिकॉज अभी हाल ही में एक केस के अनुसार पानी के लिए एक महिला पर अटैक किया गया था पानी छीनने के लिए। तो एक तरह से सोशल अनरेस्ट भी क्रिएट कर देता है अगर कभी भी सोसाइटी में किसी रिसोर्स का की कमी होती है। तो और इसके अलावा चेन्नई को और बाकी सिटीज़ को लर्न करना चाहिए वर्ल्ड की दूसरी दूसरी सिटीज़ से, जिन्होंने इस तरह के वाटर क्राइसिस को टैकल किया है। इसमें एक एग्जांपल ऑथर देते हुए बोल रहा है कि केप टाउन साउथ अफ्रीका में, वेयर वाटर सेविंग इज़ बीइंग ड्रिवन थ्रू कंसेप्ट सच एज डे ज़ीरो। डे ज़ीरो के कंसेप्ट से वाटर सेविंग की जा रही है, और इससे प्रॉपर एफिशिएंट वाटर यूज़ किया जा रहा है, ये भी सीखना चाहिए।
इंडियन सिटीज़ को, इंडियन गवर्नमेंट्स को, ताकि अपनी सिटीज़ को जो कि वाटर क्राइसिस को झेल रही हैं उनको वायबल बनाया जा सके और वाटर यूज़ एफिशिएंटली किया जा सके। तो एक सस्टेनेबल गवर्नेंस सोल्यूशन की जानी चाहिए जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन भी हो ताकि हमारी फ्यूचर गवर्नमेंट इस तरह की क्राइसिस को फेस ना करें। तो ये काफ़ी बढ़िया आर्टिकल था वाटर क्राइसिस को लेके, और वाटर क्राइसिस को किस तरह से टैकल किया जाए और बाकी सिटीज़ में अवॉइड किया जा सके इसके लिए। और आज का तीसरा आर्टिकल है रिज़र्व बैंक के ऊपर, इवन सेंट्रल बैंक्स नीड कैपिटल इन्फ्यूज़न। तो आरबीआई को किस तरह से इंडिपेंडेंटली काम कर देना चाहिए, करना चाहिए, इसके बारे में आर्टिकल है। आरबीआई रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का सेंट्रल बैंक है, और सेंट्रल बैंक एक तरह से सारे बैंक्स के ऊपर काम करता है, मतलब सारे बैंक्स में सबसे टॉप लेवल पे सेंट्रल बैंक होता है। उनके अंडर कमर्शियल बैंक, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक एंड बाकी बैंक्स होते हैं, या आरआरबी इसका स्ट्रक्चर है। तो जिस तरह से ऑथर कह रहा है कि बैंक को कैपिटल इन्फ्यूज़न की ज़रूरत है एक प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, उसी तरह से आरबीआई को भी, सेंट्रल बैंक जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को भी कैपिटल इन्फ्यूज़न की ज़रूरत है। और ये कैपिटल केवल मनी ही नहीं है, ये नए आइडियाज़ भी हैं। तो कोई भी अगर रिज़र्व बैंक की इंडिपेंडेंट फंक्शन को हैम्पर करने की कोशिश करता है तो रिज़र्व बैंक को आउटडेटेड आइडियाज़ का स्लेव नहीं बनना चाहिए और अपनी वर्किंग इंडिपेंडेंटली करनी चाहिए। द रोल ऑफ रिज़र्व बैंक इन इकॉनमी इज़ वेरी क्रिटिकल, मोर देन हाफ ए सेंचुरी। अगर अगर 50 साल, 1949 से रिज़र्व बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक बना और उसके बाद नेशनलाइज हुआ 1949 में, उसके बाद अगर कोई वीकनेस अभी करंट के टाइम से लग रही है रिज़र्व बैंक में, उसको ओवरहॉल किया जाना चाहिए, रिफॉर्म किया जाना चाहिए। ऑथर के अनुसार जो रिसेंट मीडिया कवरेज में आरबीआई फंक्शनरी और गवर्नमेंट के बीच जो डिफरेंसेस की बात सामने आई थी उनको देखते हुए ऑथर का कहना है कि देयर शुड बी कंप्लीट एग्रीमेंट, और एक तरह से गवर्नमेंट और रिज़र्व बैंक दोनों को ही क्लियर है कि रिज़र्व बैंक और गवर्नमेंट का क्या क्या जुरिस्डिक्शन है। रिज़र्व बैंक मॉनेटरी पॉलिसी निकालता है, मॉनेटरी पॉलिसी लाता है, गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी लाते हैं, और दोनों को साथ में मिलकर काम करना चाहिए। गवर्नमेंट एंड आरबीआई दोनों ने मिलकर जो किया एक डिफ्लेशनरी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी वाया फिस्कल कॉन्ट्रैक्शन एंड मॉनेटरी टाइटनिंग किया है। तो आरबीआई पॉलिसी जो लाया है पिछले 5 सालों में, इसने मॉनेटरी टाइटनिंग किया है, मनी को कंट्रोल किया है, ताकि जो आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इन्फ्लेशन टारगेट रखा था 6 से 2% के बीच, वो काफ़ी हद तक अचीव हुआ है। और गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से फिस्कल कंसोलिडेशन भी किया है ताकि महंगाई ना बढ़े। तो एक तरह से दोनों को सामंजस्य में काम किया जाना चाहिए, लेकिन आरबीआई का जो इंडिपेंडेंस फीचर है, इंडिपेंडेंस फंक्शन है, उसको हैम्पर नहीं किया जाना चाहिए। एक लो इन्फ्लेशन एंड स्मॉल बजट डेफिसिट, इसमें ऑथर बोलता है कि वॉशिंगटन कंसेंसस जो कि 1990 में, 1990s में इंडिया में अडॉप्ट किया गया था। वॉशिंगटन कंसेंसस क्या है? ये आईएमएफ के द्वारा एक मैंडेटेड कुछ रिफॉर्म्स के पॉइंट्स हैं जो आईएमएफ हर एक उस कंट्री को रिकमेंड करता है, उस कंट्री को इम्प्लीमेंट करने के लिए बोलता है जो भी आईएमएफ से लोन लेती है। सो 1991-92 में इंडिया में जब काफ़ी ज़्यादा बीओपी क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था, उस समय इंडिया ने, इंडिया पे भी ये वॉशिंगटन कंसेंसस लगाई गई थी। उसके थ्रू एक इन्फ्लेशन को कम रखने के लिए और बजट डेफिसिट को भी छोटा रखने के लिए ये बात की गई थी वॉशिंगटन कंसेंसस के अंतर्गत। सो इसका फ़र्क ये वॉशिंगटन कंसेंसस हम जब भी इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट पढ़ेंगे तब ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए ये जानना ज़रूरी है आपके लिए कि वॉशिंगटन कंसेंसस आईएमएफ के द्वारा मैंडेटेड एक डिटेल प्रिस्क्रिप्शन है जिसमें लो इन्फ्लेशन और स्मॉल बजट डेफिसिट के लिए कंट्रीज़ को बोला जाता है, और इंडिया को भी 1990s में बोला गया था। इसके अलावा जो भी पॉलिसी मेकिंग यूएस की तरफ से आती हैं उनका एमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। 2007 का जो क्राइसिस हुआ, फाइनेंशियल क्राइसिस 2007-08 में, उसमें भी जो यूएस की तरफ से शुरू हुआ, इंडिया और डेवलपिंग कंट्रीज़ को काफ़ी फ़र्क पड़ा। तो एक तरह से जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं और आरबीआई हैं, दोनों को ग्लोबली फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है या ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक
फैक्टर्स क्या बन रहे हैं उनकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और उसके हिसाब से सामंजस्य में काम करना चाहिए। द लिमिटेशन ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग वॉज अंडरस्टूड वैन ग्रेट मॉडरेशन एंड एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ लो इन्फ्लेशन इन द वेस्ट एंडेड इन फाइनेंशियल क्राइसिस। तो इंडिया में जो अभी मॉनिटरी पॉलिसी का जो मेन टारगेट रखा गया है वो है इन्फ्लेशन टारगेटिंग। सो शुरू से आरबीआई के द्वारा इन्फ्लेशन टारगेटिंग ही किया गया है, लेकिन इन्फ्लेशन टारगेट करते करते अभी फाइनेंशियल क्राइसिस जो आया 2008 में उससे पता चला कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग पे फोकस करने से बाकी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ भी हैम्पर होती हैं। बाकी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ पे फोकस ही नहीं जाता आरबीआई का और डिमांड कम हो जाती है। डिमांड कम होने से पूरी इकोनॉमी एक तरह से स्लो डाउन की तरफ मूव करने लगती है। तो केवल इन्फ्लेशन टारगेटिंग को पॉइंट करना ये ठीक नहीं है, बाकी चीज़ों पे भी ध्यान होना चाहिए और फिस्कल पॉलिसी भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिस्कल पॉलिसी का काम है ग्रोथ बढ़ाना। आरबीआई तो अगर आरबीआई को मेन काम दिया गया है इन्फ्लेशन टारगेट करने का, फिस्कल पॉलिसी का मेन फोकस रहता है ग्रोथ बढ़ाने का। अभी और अभी की इकोनॉमी का जो रिसेशन चल रहा है इसको अगर हम देखें तो देर इज़ ए टाइम नाउ, इट इज़ अ टाइम फॉर फिस्कल एक्सपेंशन। मतलब गवर्नमेंट्स को फिस्कल एक्सपेंशन करना चाहिए ताकि लोगों के पास थोड़ा ज़्यादा पैसा पहुँचे, डिमांड बढ़े। डिमांड बढ़े उससे इकोनॉमी बूस्ट हो और इकोनॉमी में एक्टिविटीज़ बढ़े और जो भी स्लो डाउन आया है उसको कम से कम किया जा सके। इसमें अगला पॉइंट है लेसन टू लर्न। इट इज़ होप दैट आरबीआई एंड इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग एस्टेब्लिशमेंट जो भी गवर्नमेंट की तरफ से हैं विल टेक अकाउंट ऑफ इवॉल्विंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक ग्लोबली। ग्लोबली क्या मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स चल रहे हैं उनको समझ के ही पॉलिसी डिसीजन लेने चाहिए, उनको समझ के ही इन्फ्लेशन पे कितना फोकस किया जाना चाहिए, उनको समझ के ही फिस्कल कंसोलिडेशन या फिस्कल कॉन्ट्रैक्शन या फिस्कल एक्सपेंशन करना चाहिए। गवर्नमेंट हैज़ टेकन क्रेडिट फॉर अटेनमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, लो इन्फ्लेशन एंड इवन अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बिन राइजिंग। तो एक तरफ तो गवर्नमेंट आरबीआई से क्रेडिट ले ले रही है कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उनकी उनकी तरफ से की गई है, लेकिन दूसरी तरफ एम्प्लॉयमेंट 2011 से कंटिन्यूसली बढ़ता ही जा रहा है। फिस्कल डेफिसिट काफ़ी कम हुआ है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बढ़ी है पिछले कुछ सालों में। 2013 से जब से एक इन्फ्लेशन टारगेटिंग को मेजर फोकस बना लिया गया है तब से रियल पॉलिसी रेट बढ़े हैं और इसके साथ ही साथ बोरोइंग जो है फॉर्मल सेक्टर्स की वो कम हुई है। जिसकी अब बोरोइंग कम होगी, जब भी पॉलिसी रेट्स बढ़ते हैं तो बोरोइंग कम होती है, बोरोइंग कम होती है तो इन्वेस्टमेंट कम होगा। जब लोन लेंगे ही नहीं कोई भी कंपनी या कोई भी एंटरप्रेन्योर लोन लेगा नहीं तो इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा। जितना लोन कम होगा उतना इन्वेस्टमेंट भी कम होगा। इन्वेस्टमेंट कम होने से ग्रोथ कम हो रही है, स्लो डाउन की तरफ मूव कर रही है इकॉनमी। इन्फ्लेशन हैज़ कम डाउन बट इट वॉज ऑलरेडी ट्रेंडिंग डाउनवर्ड पॉसिबली ड्यू टू स्लो ग्रोथ। तो एक तरह से इन्फ्लेशन कम हो रहा है उससे इन्फ्लेशन कम हो रहा है उससे भी डिमांड कम हो रही है और दूसरा स्लो ग्रोथ है, स्लो ग्रोथ है तो डिमांड कम है उससे भी इन्फ्लेशन कम हो रहा है। तो एक तरह से स्पाइरल बन गया है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं इन्फ्लेशन और ग्रोथ। इसमें एक बात और ये इम्पोर्टेंट है कि जो इन्फ्लेशन कम हुआ है वो डिक्लाइन ऑफ ऑयल प्राइसेस की वजह से भी हुआ है। और एक मेजर क्राइसिस आईएलएनएफएस क्राइसिस के बारे में भी बता रहा है ऑथर। ऑथर बोलता है कि आईएलएनएफएस क्राइसिस और उसकी ग्रुप कंपनीज जो अभी अपने पेमेंट ऑब्लिगेशन है उस पे डिफ़ॉल्ट कर रही हैं, वो पेमेंट कंपनीज़ को नहीं दे पा रही हैं, ये एक तरह से जो भी इन्वेस्टर है उसका इंटरेस्ट को हैम्पर करती है, उसके इंटरेस्ट को जियोपार्डाइज करती हैं और बैंक्स और म्यूचुअल फंड जितने भी हैं वो सारे एक तरह से उनमें निगेटिव एटमॉस्फेयर बनता है। और इसके अलावा एनपीए का प्रॉब्लम तो है ही, वो भी बढ़ता ही जा रहा है, उस पर बहुत ज़्यादा कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है पिछले सालों में, तो उनमें फोकस करने की ज़रूरत है। आरबीआई हैज़ टू फेस सम प्रेशर एग्जर्टेड बाई गवर्नमेंट नॉमिनी, आरबीआई को फेस करना ही है
जिसमें वेल भी, लेकिन उन्हें इंडिपेंडेंटली काम करना है। और आरबीआई का फंक्शन केवल इंडिपेंडेंट ही नहीं है, बल्कि जो भी अपने मैंडेटेड फंक्शन है आरबीआई के, उनको स्ट्रांगली करना है, और किसी दूसरी या किसी ऑथर की तरफ से ये बात बोली गई है, आरबीआई को किसी भी डिफंक्ट स्कूल ऑफ थॉट का, किसी भी आइडियोलॉजी के हिसाब से काम नहीं करना है, इंडिपेंडेंटली काम करना है और अपने मैंडेटेड फंक्शन के हिसाब से काम करना है, जो कि लोगों के हित में हो, लोगों के वेलफेयर के लिए हो। तो ये थे आज के तीन इम्पोर्टेंट आर्टिकल। इसके अलावा अगले पेज पे आर्टिकल है जो कि एक इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के बारे में है कर्नाटका के, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये तीन आर्टिकल आज के हिंदू के इम्पोर्टेंट थे जो हमने डिस्कस किए। तो अब से हम कोशिश करेंगे कि ये आर्टिकल जो एडिटोरियल पढ़ रहे हैं हम द हिंदू का, उनको कंटिन्यू करें, और एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल होंगे आंसर राइटिंग के लिए, और जो भी फैक्ट्स होंगे इसमें प्रीलिम एग्जामिनेशंस के लिए, और इवन बाकी एग्जामिनेशंस के लिए, यूपीएससी, स्टेट पीएससी और अदर एग्ज़ाम्स के लिए, वो डिस्कस करेंगे हम आर्टिकल में। इसके अलावा हम बाकी हिंदू, द हिंदू न्यूज़पेपर भी डिस्कस करेंगे, जो जो भी फैक्चुअल न्यूज़ होती हैं उसके लिए एक अलग सीरीज़ शुरू करेंगे, और एडिटोरियल के लिए ये सेपरेट सीरीज़ होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।